तो लास्ट क्लास में हमने आपको एक सेल के ऊपर किस तरह से हम डेटा टाइप करेंगे या फिर किसी और सेल में डेटा कैसे भेजेंगे, ये हमारा टॉपिक था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम प्रीतम जी की एक प्रॉब्लम है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इनकी एक डेटा है, मैं डेटा ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट। तो कई सारे सेल्स है, जरा क्या चाहिए प्रीतम जी इसमें आपको? सर ये जितनी फाइलें फाइल के अंदर जो डेटा है वो एक ही मास्टर फाइल में एक के नीचे एक आना चाहिए, ये मेरी क्वेरी थी इसमें। चलिए मैं एक बार पेस्ट करता हूँ। किसी प्रॉब्लम में आज तो करंट रीजन वाला मैंने आपका ये कोड वहां से लिया था यूट्यूब से, तो मैंने उससे करो लेकिन वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है इसलिए इसमें ले। ओके, तो आपके पास जो डेटा है, पहले इस डेटा को ओपन करता हूँ मैं, देखता हूँ डेटा कैसा है। तो डेस्कटॉप पे फाइल हमने रखी, इसमें 11 नंबर का फाइल ओपन करूंगा। पहले मैं डेटा देखता हूँ कि क्या डेटा है, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ओके, ये डेटा है। तो क्या चाहते हैं इसमें सर, क्या मैं ले? जैसे हम इस पे जो कोडिंग करते हैं ना, जैसे हम इसमें करंट रीजन वाला जो देते हैं, तो करंट रीजन पे ये ऊपर तक करेंट रीजन नहीं चलेगा, इसमें सिलेक्शन मेथड लगेगा इस तरह से, कंट्रोल स्किप राइट एंड डाउन। ओके, तो सर एक बार बता देंगे कोडिंग कैसे होगी इसकी, क्योंकि मुझे 6 से नीचे का डेटा लेना है। ये डेटा आगे भी बढ़ सकता है, नीचे भी कम भी हो सकता है। तो हम ये बताते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मत गट, ऊपर से भी ये बढ़ सकता है, नीचे से बढ़ सकता है, राइट लेफ्ट। लेकिन अभी इसमें एक चीज प्रॉब्लम है कि आपका स्टार्टिंग तो फिक्स है ना, स्टार्टिंग फिक्स है उसका, मतलब कि तो इसमें ये स्टार्टिंग फिक्स होना चाहिए कि आपका जहां से सिलेक्शन करना है वो फिक्स है ना, स्टार्टिंग उसकी नहीं। वो कभी 5 में आ जाता सर, तो कभी 3 में आ जाता, तो कभी 7 में चला जाता है वो एक्चुअली। ओके, ये प्रॉब्लम है इसमें। आप कहते हैं कि रिटर्न कोड से स्टार्ट करना जरूरी नहीं कि रिटर्न कोड 5 में भी होगा। हाँ, ये कभी नीचे बढ़ सकता है। कॉलम फिक्स है कि डी तक ही होगा? हाँ सर, इसका फिक्स, ये बढ़ भी सकता है सर। दिक्कत है ना सर, ये तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब डेटा कॉपी पेस्ट करेगा तो हमें जब इसमें 4 है तो फाइल में तो एक नीचे जाएगा, तो वो कॉलम कहाँ रखेगा फिर? वो कॉलम फिक्स होना चाहिए ना, क्या 4 कॉलम है हमारे हर डेटा में? हाँ चलो, अगर मैं मान तो 4 भी फिक्स हैं तो इसके लिए कैसे करेंगे? 4 अगर फिक्स है तो ठीक है, क्योंकि आप समझ गए बात में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी में 5 है, किसी में 7 है, तो डेटा जब कॉपी करेगा तो कौन सा कॉलम किसके नीचे आ जाएगा? चलिए, तो हम समझ, अभी फिलहाल जो आपने मुझे डेटा दिया उसमें 4 ही है ना? हाँ, उसमें 4 ही है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से ऊपर इससे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इस समझे? ओके, डी कॉलम के सबसे लास्ट में जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे राइट और लेफ्ट और इसको कॉपी करेंगे। तो प्रोजेक्ट ये है आज कि हमें ये पूरे डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, एक के नीचे राइट। देखिए, इसको करने से हम एक सिंपल कोड को कर लेते हैं, सिंपल कोड राइट, एक सिंपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट बता दूं आपको? थोड़ा समझाना पड़ेगा, इलैबोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इसमें तो वैसे बेसिक है। हाँ, इसको हम शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले हमें पता करना होगा कि इस फाइल में नंबर ऑफ फाइल है कितने। सबसे पहला चैलेंज आप मेरे पास ये है कि मुझे इसमें पता करना है कि आखिर नंबर ऑफ फाइल है कितने इस पर्टिकुलर फोल्डर में। ठीक है, ओके, कोडिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो इंसर्ट मॉड्यूल्स और यहाँ पे सब्जेक्ट।
हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एफ एन इक्वल टू, मैं वेरिएबल ले लेता हूँ कि डिम एफ एन एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे करेंगे कि एफ एन इक्वल टू डी आई आर फंक्शन। तो डी आई आर फंक्शन का काम क्या है कि एक पर्टिकुलर पाथ में वो चेक करके बताता है कि इसमें पर्टिकुलर फाइल है या नहीं है, समझे। जैसे कि ये आपको बताएगा कि इसमें 011.xls है या नहीं है, आएगा तो इसका फाइल का नाम दे देगा, नहीं तो एरर देगा, समझे। तो मैं ये क्या करता हूँ कि स्टार डॉट स्टार लगा देता हूँ, तो ये क्या होगा कि जितने भी फाइल होंगे उसका लिस्ट वो पिक कर लेगा, और मैं वीवी नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये कोड क्या करेगा कि मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर में, मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर में जितने भी फाइल का लिस्ट, अब इसमें सारे फाइल ले लिए, अगर मान लो एक्सेल फाइल चाहिए तो एक्सेल एस कर दीजिए या एक्सेल एस एम कर दीजिए, एक्सेल एस एक्स कर दीजिए, फाइल के एक्सटेंशन भी आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। आतिश जी, हेलो, यस सर। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि अब तो एफ एन के ऊपर तो एक ही नाम डालेगा ना, अगर मैं इसको एम एस जी बॉक्स में जाए और यहाँ एफ एन कर देता हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 04.11.xls दिया, दूसरा कहाँ से आएगा। तो दूसरे फाइल के लिए मुझे वापस यहाँ मैं सॉरी एफ एन इक्वल टू करना पड़ेगा डी आई आर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। और फिर देखिए एम एस जी बॉक्स में वापस एफ एन करूंगा तो ये देखिए दूसरा फाइल लिस्ट आ जाएगी 11, फिर 12 आ गया ना सर। मतलब नहीं समझे कि जितना बार आप डी आई आर फंक्शन करेंगे उतना बार उसकी नई फाइल आपको देगा, ओके, समझे। यस सर। अब क्वेश्चन यहां पे आती है कि बार बार नई फाइल हम रखे कहां से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, लूप होता है, जैसे आपको मैं फोर लूप बताया था ऐसे एक डू लूप होता है। डू लूप, डू व्हाइल, हमने बोल दिया एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे लूप। तो ये क्या होता है कि कंडीशन पे चलता है कि जब तक ब्लैंक नहीं होगा एफ एन के ऊपर में तब तक चलेगा। फोर लूप तक कंडीशन होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग होता है ना। डू लूप का यूज होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन, जब तक ये कंडीशन मैच कर रही है तब तक हमें इसको चलाना है, जब तक मैच नहीं है तो कंडीशन को बंद कर देना है, समझे। यस सर। अब मान लीजिए कि हम फाइल लिस्ट को यहां पे अगर रखवा देते हैं, मैं यहां पे करता हूं रेंज 65000.and.xls.up.offset1,0.value ये देखिए जितने भी इस फाइल का लिस्ट है, लिस्ट यहां पे दे दिया सर। तो एक फोल्डर में चाहे 10 फाइल होंगे चाहे 100 फाइल होंगे उसका पूरा लिस्ट हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें फाइल लिस्ट नहीं देना है, उसका डेटा लेना है। तो यहां पे मैं डेटा, इसको डेटा लिखता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं क्योंकि मुझे इस फाइल की जरूरत पड़ेगी। इस फाइल को मैं अपने डेस्कटॉप के न्यू फोल्डर में सेव कर देता हूं, नेम देता हूं देता है कॉपी के नाम से कर देता हूं, okay? तो सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करवाना पड़ेगा, तो यहां लिखूंगा वर्क बुक्स डॉट ओपन, ओके okay? और किस डायरेक्टरी से ओपन करना है, इस डायरेक्टरी से ओपन करना है। फाइल को लोकेशन देना पड़ेगा ना, तो लोकेशन तो हमें पता है,
बट फाइल नेम अलग अलग है क्या? तो फाइल नेम और एक्सटेंशन यहाँ आता है, दिखाया था आपको, आया था, तो यहाँ पे एफ इन कर देता हूँ तो उस फाइल को ओपन करेगा। अब मुझे ये बताइए कि इस फाइल को जब ये ओपन करेगा, मैं एक मिनट इसको लेके इसकी हेडिंग रख लेता हूँ ना, मैंने इसकी जो हेडिंग है ये हेडिंग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब दूसरी बात है कि वो हेडिंग क्या, जैसे आपने बताया कि बढ़ भी सकता घट भी सकता है, तो उसकी भी चीज़ें हम बात डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या ना सर वो सब समझ में नहीं आएगा आपको सर, तो फिलहाल उसको छोड़ दीजिए। तो इसके एक ही सीट इस डेटा में है, मैंने देख लिया सीट पहला ही सीट है, अब मुझे इसका कॉपी करना है। अभी फाइल ओपन हो गई है, तो फाइल हमारी ओपन हो गई है, अब मुझे इसको कॉपी करना है। तो कैसे कॉपी करेंगे? तो बेसिकली जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि कभी 5 है, कभी 7 है, कभी 10 है, लेकिन अभी फिलहाल समझ लीजिए कि हमारे पास 4 कॉलन है, ये हमें पता है कि 4 कॉलन है। तो हम यहाँ पे जाएंगे रेंज, क्योंकि जो फाइल ओपन हुई है वही एक्टिवेट है, रेंज डी 65,000 डॉट एन, और यहां पे आएगा एक्सेलस अप डॉट सेलेक्ट। ये क्या करेगा कि सबसे यहां से आएगा और यहां पे आके मेरा कर्सर रुक जाएगा, ठीक है सर। फिर मैं यहां पे करता हूं कि रेंज रेंज हमने बोला कि एक्टिव सेल से चलेगा, एक्टिव सेल स्टार्टिंग पोजीशन एक्टिव सेल मतलब कि ये रहेगा, और एंडिंग पोजीशन में हमने दे दिया कि एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट सेलेक्ट। फिर वापस लिखूंगा रेंज होगा सिलेक्शन सिलेक्शन डॉट सिलेक्शन एंड एक्सेल अप डॉट कॉपी। पेस्ट कहां करना है? तो करना है वर्क बुक्स, और वर्क बुक्स में हमने बोला अब इसमें हेडिंग भी ले लेगा सर, मुझे हेडिंग नहीं चाहिए ना, हेडिंग हटानी पड़ेगी। यहाँ पे ऑफसेट 1,0 ठीक है, हेडिंग नहीं लेना। उसके बाद क्या देंगे? वर्क बुक्स, और इसमें देंगे हम कौन सा बुक है हमारा, कॉपी क्या है, कॉपी डॉट एक्सएलएस एम डॉट सीट, कौन सा शीट, तो यहाँ पे डेटा। क्या करना है? रेंज कौन सा रेंज, ए 65,000 ऊपर से नीचे आना है ना, सबसे लास्ट में एंट्री करनी है ना सर, डॉट एंड एक्सल एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल। अभी इसको एक मिनट देख ले, सब चीज सही है, पेस्ट स्पेशल भी सही है, ओके पेस्ट स्पेशल हो जाएगा। और फिर हम करेंगे एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और हम यहाँ कर देंगे फॉल्स, हमें सेव नहीं करना, लेकिन अब कॉपी है तो उसको हटाना पड़ेगा ना सर, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, चलिए कॉपी हटाने से पहले के लिए हमें करना होगा एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स।
सर फाइल को क्लोज कर देगा, यही प्रक्रिया वन बाय वन हर फाइल के लिए करेगा। ओके इसको ट्राई करते हैं। इसमें कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो गई है, मुझे लग रहा है यही उस फाइल में ऐसे ही हो रहा है। मेरे उसमें भी मैंने किया ऐसे हो रहा है, देखता हूँ क्या दिक्कत है। एक्टिव सेल ऐसे गया, यहीं पे पहुंचना चाहिए, ऊपर तक इसे पहुंच गया। अभी उसको उपाय करता हूँ और मुझे एक फाइल ओपन करने दीजिए। होगा ये रहा ये रहा ये रहा, ये रहा। सही तो है, हम माइक्रो वन को रन करते हैं। ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये कोड सही वर्क नहीं कर रहा है, तो चलिए इसका उपाय करते हैं, इसमें दूसरा कोड लगाते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे मेथड डी है ना, हाँ हम यहाँ पे रेंज यहाँ पे डी वन डॉट एक्सलेस डाउन डॉट ऑफसेट वन कॉमा जीरो डॉट वैल्यू इज डॉट वैल्यू मीन डॉट कॉलम डॉट यह होता है एस आर स्टार्टिंग रो और यहाँ पे एंडिंग रो। बस इसमें सॉरी रियन एंड अब यहाँ पे होगा रेंज, रेंज में स्टार्टिंग पोजीशन होगा सेल, सेल में स्टार्टिंग होगा हमारा रो नंबर एस आर, कॉलम नंबर वन हमें पता ही है, और एंडिंग नंबर होगा सेल्स सेल्स, रो नंबर हो जाएगा ई आर, कॉलम नंबर पता है हमें क्या है पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब परफेक्टली सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है सर, समझे कि नहीं समझे?
कोड को देखिए हमने क्या किया, हमारा पहला कोड कर क्या कर रहा है कि D1 यहाँ D1 से एंड पे आ रहा है, तो हमें पता चल जा रहा है कि स्टार्टिंग रो कहाँ है अपने डेटा का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके डेटा में सिर्फ कॉलन ए में ही वैल्यू है, डी में तो वैल्यू नहीं होगी सर। नहीं सर। हाँ तो हमने ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, इसका रो नंबर हमने स्टोर कर लिया एस आर पे, और फिर मैं नीचे से ऊपर आया ए पे, ए पे आइए फिर डी पे आइए कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका एन नंबर हमें पता चल गया 17। तो हमें पता है कि भाई ए फाइव, अब पता चल गया ए फाइव और डी 17, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब सेम कोडिंग अपने उसमें अपडेट कर देता हूँ अपने वाले माइक्रो में। यहाँ जो सिलेक्शंस है ये सिलेक्शंस की हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सिलेक्ट की जगह अब आपका परफेक्टली वर्क करना चाहिए। कैसे वर्क कर रहा है, परफेक्टली वर्क कर रहा है सर, ठीक है अब सही ना सर? मुझे ऐसी चाहिए डेटा के नीचे। हाँ सही है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका हेडिंग होना चाहिए चार ही होना चाहिए, अब चार से ज्यादा मतलब एक ही जैसे सारा होना चाहिए, हेडिंग सबका सीक्वेंस में और सेम होना चाहिए। फिलहाल तो चार है, अगर बढ़ भी गया चार से अगर दस हो गया, बीस हो गया, पचास हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सब में सेम होना चाहिए और सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैक एक फाइल में आपका और दूसरे मान लीजिए वो डी में चला जाए, ऐसा नहीं होता सर। हाँ तो वैसे अगर होगा तो फिर कोड हमें चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे रो बाई रो करना पड़ेगा। तो आगे देखिए टॉपिक मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि सिलेक्शन और हमारा अभी टॉपिक सिलेक्शन का चल रहा है, बोला कि ये टॉपिक काफी आगे की थी आपकी, ठीक है ना, बट आपकी सिलेक्शन की प्रॉब्लम मैंने देखी तो मुझे इस पे बाकियों को बताना जरूरी था। जो बाकी जाहिद जी है, प्रीतम जी है, आशीष अतीश जी है, सॉरी अनिल जी है, उन सबको बताना होगा कि आपके पास ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो कैसे सोचोगे आप कि डेटा आपको पूरा ना लेना हो, आपका डेटा का स्टार्टिंग एंडिंग पता ना चल रहा हो। अगर पूरा लेना होता तो कंट्रोल ए कर देंगे, अगर पूरा ना लेना हो लेकिन मुझे स्टार्ट कहाँ से सिलेक्शन करनी है ये ना पता हो, तो इस तरह की मेथड भी अपनाई जा सकती है। क्लियर है सर? ठीक है सर। आप लोगों को समझ में आया? यस सर। कोई डाउट इसमें? यस सर। नहीं सर, नो डाउट। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, ये बेसिक फाइल नहीं सर, कोड भेज देता हूँ, कोड ही काफी है ना, बाकी तो फाइल तो सिंपल है। आप लोग इसको अपने हिसाब से कुछ डेटा बना के यूज कीजिएगा, ठीक है? यस सर। और आप लोग एक चीज और है कि कल सुबह 8 बजे मैंने क्लास रखी है वी लुकअप ऑटोमेशन की, आप सभी इनवाइटेड हैं, अगर आप लोगों का टाइम है तो आ सकते हैं। श्योर सर। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी हमें इस पे, क्योंकि मैं फोन से उसको करूंगा, ज्वाइन करूंगा। ठीक है, लेकिन गो टू मीटिंग से ज्वाइन होगा, गो टू मीटिंग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपकी ईमेल आईडी क्या है? ठीक है, वो कर लूंगा। प्रीतम जी ईमेल आईडी क्या है आपकी? रावत प्रीतम RAWAT सर। RAWAT हाँ मिल गया, आइए आगे टॉप में आइए वाला। तो कल सुबह गो टू आपको ज्वाइन करना होगा, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको उसकी कोड भेज देंगे, ठीक है?